मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के 2022 में विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव का बिगुल एक तरीके से अघोषित तौर से बजा चुके हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में अच्छे अच्छे नेताओं का बड़े बड़े पार्टियों के पैर फूलने लगे हैं। सभी लोग सोचने लगे हैं, बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट बता रही है कि आने वाले दिनों में 2022 के चुनाव में माननीय भागीदारी संकल्प मोर्चा की, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी के, माननीय अनिल चौहान जी के, राष्ट्रीय पार्टी के सभी लोगों के नेतृत्व की ही सरकार बनने वाली है साथियों। इसी के साथ हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारा एक उत्तर प्रदेश मातृभूमि अपना महाराष्ट्र हम मौसी कहते हैं, तो हमारी माई हमारी मौसी की ये जो हमारा भाईचारा है, हमारा ये भाई भाई का चारा का संबंध है, इस संबंध को हम सभी लोगों को बनाए रखना है। कोई भी हमको आपको गुमराह करे, हमको आपको गुमराह नहीं होना है। हम जो भी यहाँ पे मराठी भाषी हिंदी भाषी हैं, हम सभी भाई हैं। जब भी हमारी किसी को जरूरत पड़े, मराठी भाई को जरूरत पड़े, जहाँ उनका खून बहेगा पसीना बहेगा, वहाँ हम हिंदी भाषी अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। साथियों इसी के साथ मैं अभी तमाम नेताओं को सुनना है। यहाँ पे सालवी जी का मैं आभार मानता हूँ। अभी हमारा एक कारवा मंत्री जी के साथ में उनके आवास पे पहुंचा, उनका पूरा परिवार जो आज सम्मान दिया है अपने दरवाजे पे, जो सेवा किए हैं, इनकी सेवा इनका सम्मान देख करके दिल एकदम गदगद हुआ कि हम आप महाराष्ट्र की धरती पे, मुंबई की धरती पे है, तो हम अपने घर में हैं, अपने भाई के साथ में हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारा आन बान सब सुरक्षित है। तो साथियों इस भाईचारा को हमको बनाए रखना है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, आभारी हूँ। आप लोगों ने अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो मैं आप लोगों का पुनः स्वागत वंदन करता हूँ और इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भागीदारी संकल्प मोर्चा, ओम प्रकाश राजभर जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद बाबू रामपाल जी। इसी तरह से आप भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करिए। जिस हिसाब से आपने कहा कि 2022 तक उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार रहेगी, इसी कड़ी में प्रेमचंद प्रजापति माने प्रेमचंद प्रजापति से अनुरोध करूंगा कि आए और अपने शब्दों को लोगों के बीच में रखे। प्रेमचंद प्रजापति जी, गुरुभारी पुरवा सकते हैं, आगे सम्मान कर सकते हैं, गुरुभारी पुरवा सकते हैं। देश के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, महाराजा सुहेलदेव, महाराजा शिवाजी, महाराजा दक्ष प्रजापति, अहिल्याबाई होलकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, देश के तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए, दूर दराज से आए क्रांतिकारी साथी, हम लोगों के गार्जियन, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे बड़े भाई अरविंद राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी, और महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी, भागीदारी आंदोलन मंच के मुंबई के अध्यक्ष सीपी प्रजापति जी, डॉक्टर महेश्वर प्रजापति जी, और भागीदारी आंदोलन मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोकनाथ प्रजापति जी, हम लोगों के गार्जियन प्रोफेसर राम जन्म प्रजापति जी, राष्ट्रीय महासचिव भागीदारी आंदोलन मंच अजय प्रजापति जी, महेंद्र प्रजापति जी, इंद्रजीत प्रजापति जी, विनोद प्रजापति जी, तमाम साथियों का नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए साथियों मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र की धरती मुंबई, यहाँ लोग दूर दराज से रोजगार के लिए आए हैं। आज 3-4 दिन से हम लोग भी महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। साथियों कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तमाम
ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है। आज भी यहाँ मुंबई में बहुत सारी कच्ची कॉलोनियां हैं, दो तीन दिन से हम लोग घूम रहे हैं, जहां न ठीक से सफाई है, न ठीक से सड़क है, और स्वास्थ्य का तो कुछ है ही नहीं। अब सोचिए इस बात को, दिल्ली मुंबई जो महानगर है, लखनऊ जो महानगर है, उनकी ये हालत है तो गांव की हालत क्या होगी। शिक्षा के सवाल को देखा जाए, अगर हम एक बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। एक लड़के को डॉक्टर, बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। इंजीनियर बनाना है तो पैसा चाहिए। कहने का मतलब है साथियों, शिक्षा में जो सुधार होना चाहिए, जितनी भी ये निकम्मी सरकारें बनी है, जितनी भी हम लोगों ने सरकारें बनाया है, देखा जाए तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। आज गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, यहाँ बहुत सारे साथी उत्तर प्रदेश के आए हैं, गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, अगर शाम को वहां जगह चले जाओ तो कुत्ते घूमते नजर आते हैं साथियों। ये सरकार ने दिया है हम लोगों को, हम लोग वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं इन लोगों की, और उसके अवैध में क्या मिलता हम लोगों को। गांव में न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, बेरोजगारी जबरदस्त है। आज नौजवान जो है रोजगार को लेकर पूरे देश में घूम रहा है, उसके लिए रोजगार नहीं है सरकार के पास में। बताइए इसका कौन जिम्मेदार है। माननीय मंत्री जी जब से उत्तर प्रदेश में 2017 में कैबिनेट मंत्री बने, तब से उन्होंने बेरोजगारी के सवाल को लेकर लगातार सड़कों पर सरकार को जगाने का काम किया साथियों। चाहे वो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिपाही हो, चाहे भागीदारी आंदोलन मंच के सिपाही हो, चाहे भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनाया गया है उसमें 7 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल है। हमारे बड़े भाई क्रांतिकारी साथी बाबूराम पाल जी बैठे हैं पीछे, वो भी लगातार घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं, शिक्षा के सवाल को लेकर, स्वास्थ्य के सवाल को लेकर, बेरोजगारी के सवाल को लेकर। बताइए साथियों, हम लोग वोट किस लिए देते हैं, इनकी सरकार किस लिए बनाते हैं? क्या हमारे बच्चे बेरोजगार घूमे? गांव में रोजगार नहीं है, और सरकार कह रही है कि सरकार उल्टा जो है हम लोगों के योग्यता पर सवाल उठा रही है कि आप लोग योग्य नहीं हो इसलिए आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। बड़े शर्म की बात है। आज आप लोग यहाँ आए हो, दूर दराज से जो भी साथी आए हैं यहाँ से शपथ ले घर जाए, घर जाएंगे बेरोजगारी के सवाल को लेकर, शिक्षा के सवाल को लेकर, स्वास्थ्य के सवाल को लेकर लोगों को फोन करेंगे। एक एक आदमी कम से कम 50-50 लोगों को फोन करेगा और उनको बताएगा कि माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने दबे कुचले समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे के माध्यम से साथियों पूरे देश में लोगों को बताना है ये सरकारें हम लोगों के साथ क्या कर रही हैं। आज आप लोग यहाँ से शपथ लेकर जरूर जाइए, और जो साथी समझ लीजिए 50 लोगों को फोन नहीं करेगा, भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में नहीं बताएगा, उसको समझ लो कि वो समाज का सबसे बड़ा गद्दार है। क्या है? समाज का सबसे बड़ा गद्दार है। आज आप लोग यहाँ से जाइए, 50 लोगों को फोन जरूर करिएगा, चाहे रिश्तेदारी में करिए, भाई को करिए, बुआ को, मौसी को, चाची को, सबको फोन करिए, सबको बताइए कि हमारा समाज अब जाग चुका है। ज्यादा दिन तक तुम लोग हम लोगों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो साथियों। हमारी बोर्ड से सरकार बनती है, हमारी बोर्ड से सरकार बनती है और हमारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से बिलोंग करता हूँ, जब से माननीय मंत्री जी सरकार में मंत्री थे तब से लेकर आज तक मैं प्रजापति समाज से हूँ, और मैं अपनी समाज की बात बता रहा हूँ। अभी तक उत्तर प्रदेश में करीब 40 हत्याएं हुई है प्रजापति समाज की। इसी तरह से पाल है, फर है, राजभर है, धोपी है, मल्ला है, केवट है, निषाद है, भिंद है, तमाम जातियां हैं जिनके लोगों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, बाल बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग अपनी वोट से इनकी निकम्मों की सरकार बनाते हैं। मोदी जी नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास। बताइए इस नारे में प्रजापति का बेटा, फर का बेटा, राजभर का बेटा, धोपी का बेटा, मल्ला का बेटा, उसकी भागीदारी कहाँ है सरकार में? नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आज अगर आज हम लोग नहीं जागे साथियों, इस भागीदारी संकल्प मोर्चा के बने पहले अगर हम लोग नहीं जागे, आने वाली
साथियों, हमारे बच्चे पूछेंगे हम लोगों से कि 73 साल में बताइए तुम लोगों ने क्या दिया है हम लोगों को। इसलिए आज यहाँ से शपथ लेकर जाइए। आज जो है दबे कुचले समाज को रास्ता बताने वाले माननीय ओम प्रकाश राज भट्टी, लगातार आप लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे जाकर उनका नाम लिख दे, तमाम वीडियो मिलेगा। जितने भी आंदोलन हुए हैं सड़कों पर, सड़क से लेकर सदन तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, सारी चीजें आपको देखने की मिलेगी साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी आंदोलन मंच। धन्यवाद प्रेमचंद जी। मैं इसी कड़ी में अरुण राजभर से अनुरोध करूंगा, प्रमुख महासचिव महासचिव सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के, और मैं सभी पार्टी के पदाधिकारियों, चाहे गुजरात से आए हैं, चाहे सूरत से आए हैं, वापी से आए हैं, तलवा कपोली से आए हैं, सभी से अनुरोध करूंगा धैर्य बनाए रहे। आप लोग कार्यक्रम शोभा है, आप लोग बैठिए और जरा रुक करके मैं चाहूंगा अरुण जी आए या पदाधिकारियों को और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। अरुण राजभर जी, देखा भाई हम आन के जौने काम बदे आयल भाई, जेकर बात सुना बदे आयल है, ई जितना जने यहाँ आयल हुआ, कितना जने अपने नेता का बात सुना बदे आयल हुआ, हाथ उठावा जितना जने आयल हुआ, सब जने सुना आयल हुआ ना। लेकिन हम हाँ का नेता जी जौने बात के कहे बदे आयल हुआ, वो बात तो ऐसे ना सुनाई। जब कहनो लोग इधर रहवा, कुछ लोग यहाँ रहवा, कुछ लोग मंच पर रहवा, कुछ लोग वहाँ रहवा, तब बात समझ में न आई। तो जितना जने यहाँ बाया सब जने चला पीछे बैठा, और वहाँ जने जितना जने बाया वो सब जने चला बैठा, तब हमन का बात समझ में आई कि जौने बदे हमन की आयल है वो मकसद के हमन के सफल कर पाई। तब पहले सब जने व्यवस्था बनावा, चल के कुर्सी खाली है जब बैठक जा सके, ओकरे बाद मंच पर जितना जने बाया, चाहे छोट नेता हो चाहे बड़ नेता हो, जेके मंच पर बैठक व्यवस्था देहल हो मंच पर वह रही, बाकी सब जने चल जा नीचे बैठा जा नीचे, ओकरे बाद तब हमारे बात शुरू कर जाए। एक बार सब जने जोरदार पहले नारा हो जा, हम बोला जय सुहलदेव, तो का बोला जवाब, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, आवाज में दम नहीं बा, तनी और ऊर्जा लगावा, जितना जने वहां चारों तरफ जे जे यहां वहां छपिया पर वहीं ओहू के कान तक आवाज जाए कि अब हमन के कार्यक्रम शुरू कर देले बा, अब हमन के नेता जी अब बोले बा देंगे, तो हमन के बात सुने के हो, तो जोरदार नारा लगावा, वही नारा में दम नहीं बा, जय सुहलदेव, वही तो हमन के काने तक आवाजें नहीं आई, ऐसा नारा लगावत बा सब जने। ऐसे तो हमान के बनारस में लोग मनकनका पर मुर्दवा कुछ बोलन, तनी और तगड़ा बोलन, जा जय शिवाजी ना, ये शिवाजी की धरती है और इनकी धरती पर आप सभी लोग ऐसे महापुरुष का जयंती, ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तो उनका नारा भी जोरदार होना चाहिए, जय सुहलदेव, जय शिवाजी, जय सुहलदेव। कुछ जने हरिया वाला सुनत हो कि हर से काम चला ले, पीछे वाला सोचत हो कि अगवा वाला बोल देते हो हमारे काम हो जाता हो, तो भाई सब जने बोलवा मन से, भाई देखा खाली नहीं भया नेताजी, अगर ऐसे कार्यक्रम चली तो केहू जने जितना जने आयल हुआ बात समझ में नहीं आई। हम के अभी बात ना शुरू करब जब तक मंच पर लोग बैठ न जाए, तब तक हम के यहाँ के लोगों ने कहा कि पदाधिकारी लोग के चला वहां बैठा जा, सभी पदाधिकारी हमारे जिम्मेदार, आप अनुशासन का परिचय दीजिए, आप अनुशासन का परिचय दीजिए कि आपके नेता आपको व्यवस्था बनाने के लिए बता रहे हैं। तो हमारे आरएसएस के जो जवान हैं, जो पीली टी शर्ट पहन करके आज ये लोग व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ खड़े किए गए हैं, वो लोग से चाहूंगा कि वो सभी लोग कुर्सी पर सबको बैठाने का व्यवस्था करें। जब तक आप लोग कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तब तक हमारी बात नहीं समझ पाएंगे।
जिस लड़ाई को लेकर के हम सभी लोग यहाँ आए हैं, वह लड़ाई आपको हम तभी बताएंगे जब आप सभी लोग कुर्सी पर जाकर बैठ जाएंगे। तो भाई अभी सभी लोग पीछे से जाइए, सभी लोग इधर से नीचे जाइए, कुर्सी बैठिए। माननीय उनका स्वराज जिंदाबाद। अरे भाई शेर के नाम पर इतना धीरे धीरे आवाज निकली, तनी और तेज बोला जा। माने उनका स्वराज पर जिंदाबाद। जय सुहलदेव, जय शिवाजी, जय सुहलदेव। अब देखा हम धीरे धीरे व्यवस्था सब बैठा लगन, अब बात अपन शुरू करब। कुछ कहने से पहले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महाराजा दक्ष प्रजापति, छत्रपति शिवाजी महाराज, तमाम जाति धर्म के महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज इस महफिल में आए हुए तमाम सम्मानित हमारे नौजवान भाइयों बहनों, हमारे तमाम बुजुर्ग आज इस महफिल में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि बड़े लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है और आप सभी लोग बड़े धैर्य पूर्वक से अपने नेता की बात को सुनने के लिए आए। सही बतावा नेताजी का बात सुना बदे कितना जने आल हुआ, जोरदार हाथ उठा के बतावा, और कितना जने नीचे करा, कितना जने ना सुना बदे आल हुआ वो हाथ उठावा, भाई सब जने सुना बदे आल हुआ, तब बात सुनावल जा कि ना सुनावल जा, सुनावल जा ना। अगर ये देश में अगर हमारे बात सुनावा बचे ये धरती पर कलवा पे आयल है तो ये धरती पर हमान के आवाज उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में जाए के चाहिए। विरोधियों बड़ा निशाना लगौले हुआ कि बम्बई में कुल गयल हुआ वहां का कहा तुम तनी हम लोग बात सुना, तो बतावा सुनावल जाए कि ना सुनावल जा, सुनावल जाए ना। अगर हौसला नहीं होगा भाइयों बहनों तो एक भी फैसला नहीं होगा, अगर आपको हौसले के साथ आप यहाँ आए हुए हैं तो उस फैसले को लेकर के आपको यहाँ से जाना होगा कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको हथियार दिया है उस हथियार को अपने मन में बस बैठाना होगा, उस रास्ते पर आपको चलना होगा। जिस दिन आप उस रास्ते पर चल देंगे उस दिन बाबा साहब के सपने को, महाराजा सुहेलदेव जी के सपने को, महाराजा शिवाजी के सपने को आप साकार करते हुए नजर आएंगे। इस नाते इस धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इस धरती पर ज्योतिबा फूले, इस धरती पर शिवाजी ने जिस लड़ाई को शुरुआत किया था उस लड़ाई को महाराजा सुहेलदेव के आदर्श पर, महात्मा गांधी जी के आदर्श पर, महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्श पर, महात्मा हमारे ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज के आदर्श पर आज हमारे नेता माननीय ओमप्रकाश राजभर जी, आज प्रेमचंद प्रजापति जी, आज हमारे बाबू राम पाल जी, बाबू संघ कुशवाहा जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, आज सभी लोग एकजुट होकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया। इस महान जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है ये उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले, देश में राजनीति करने वाले लोगों को पसीना छुड़ा रहा है। अगर ये देश में सारे लोगों ने अपनी राजनीति की फेंती करके समाज को अधिकार दिलाया, इस धरती से बहुत बड़े पैमाने पर माननीय कांतिराम जी ने जिस अभियान को चलाया, ज्योतिबा फूले जी ने जिस अभियान को चलाया, जिस अभियान को गौतम बुद्ध जी ने चलाया, उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में शेर के शेरों के शेर महाशेर माननीय उनका साजभर जी आए हैं उस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। सही बतावा ये लड़ाई के हमन के लड़ल जाए कि ना लड़ल जाए, आप बताओ भाइयों बहनों जिस लड़ाई को नेताजी लड़ रहे हैं बताओ लड़ाई सही लड़ रहे हैं कि गड़बड़। लेकिन हमान के समझवा में कुछ ऐसा चमचा हो गया हुआ, कुछ ऐसा चिम्मच हो गया हुआ जवन को हाथ हमारे नेताजी का लड़ाई गड़बड़ हो, हमार लड़ाई सही बा। भाई बतावा नेताजी सही लड़ाई लड़ते हो गड़बड़, लड़ाई सही है कि ना सही है, आवाज नेताजी के पास ना पहुंचत बा, लड़ाई सही है कि गड़बड़ है, ये लड़ाई क्या ना बढ़ावल जाए कि ना बढ़ावल जाए। ये लड़ाई सफल हुई तब जब 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनी, बनावल जाए कि ना बनावल जाए, ये धरती से उत्तर प्रदेश की धरती पर आवाज जाए के चाहिए।
कि अगर यहां से आपका नेता आवाज लगाया तो लखनऊ में पंचायत से अगर आवाज उठी तो लखनऊ के पंचायत में बैठने वाले 403 विधायकों की आवाज के नेतृत्वकर्ता माननीय ओम प्रकाश राज और भागीदारी संकल्प मोर्चा होगा, तब जाकर के आपका सपना साकार होगा। आजादी के 73 साल गुजर गया और 73 साल गुजर जाने के बाद हमारे समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं आज भी अपने हक और अधिकार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अपने हक अधिकार को पाने के लिए अपने नेताओं के सामने गुहार लगा रहे हैं कि हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए अगर कोई नेता तैयार होकर के हमको हक अधिकार दिलाने के लिए निकला है तो आप सोचो कि आपको हक अधिकार मिलेगा। ये आने वाली पीढ़ियों को आज का संघर्ष हमारे नेताजी का, आज का संघर्ष बाबूराम पाल का, आज का संघर्ष प्रेमचंद प्रजापति जी का आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बनेगा कि जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो हमको आपको सलाम करेगी कि हमारे नेता संघर्ष करके हमारे समाज को उस लायक बना दिए कि हमारे समाज के लोग चपरासी से लेकर राष्ट्रपति कुर्सी पर निशाना साधना लगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जितने भी हमारे प्रशासनिक क्षेत्र है आज भी राजभर समाज हो, चौहान समाज हो, बिंद समाज हो, केवट समाज हो, पाल समाज हो, प्रजापति समाज हो, तमाम जाति के जितने लोग हैं जो वंचित लोग हैं आज इनके समाज के लोगों को अगर आप ढूंढेंगे तो सिपाही दरोगा बाबू चपरासी लेखपाल डीएम एसडीएम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? अगर आपको न्याय पाना है तो आप अगर जाते हैं जमीन का झगड़ा लेकर के तो ये बताइए मंदिर में जाते हैं झगड़ा सुलझाने के लिए कि आप जाते हैं तहसीलदार के पास झगड़ा सुलझाने के लिए? बताओ भाइयों, अगर आपका तहसीलदार अगर एसडीएम अगर तहसील पर नहीं होगा तो आपके जमीन के झगड़े को भी वहां कोई निपटारा करने वाला नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा है कि जब तक आपके बेटा बेटी थाने पर तहसील पर ब्लॉक पर कचहरी पर मुख्यालय पर कमिश्नरी पर चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे समाज को जीवन में न्याय मिलने वाला नहीं है। इस नाते आपके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपको उस जगह पहुंचाना चाहते हैं तो बताओ उस जगह पहुंचने के लिए आप सभी लोग संघर्ष करोगे कि नहीं करोगे? जितना देर संघर्ष करवा हाथ उठावा, जितना देर संघर्ष करवा करवा ना, ये संघर्ष के मुकाम तक पहुंचावा बदे आज से संकल्प लेवे के होई कि आने वाले 2022 तक इस महाराष्ट्र की धरती से आवाज जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर शेर की आवाज निकली है तो शेर की आवाज जो गीदड़ बन के घूम रहे हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा तब जाकर के आपके नेता आगे बढ़ेंगे। यह लोग आपको तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कमजोर करना चाहते हैं लेकिन उन्हन के कमजोर कैले से हमन के कमजोर ना हो जाए। बोला हो जाए का उन्हन के तो कमजोर कैले से कुछ ना हो। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सारी पार्टियों का निगाह भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है जो उस पे बना हुआ। क्यों बना है? बाबूराम प्रजापति बाबूराम पाल जी पाल समाज की अगुवाई कर रहे हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी प्रजापति समाज की अगुवाई कर रहे हैं, इनके भी समाज के लोग आजादी के 73 साल से धोखा खाए हुए हैं। ये धोखा खाए हुए समाज को कुशवाहा जी बाबू सिंह कुशवाहा जी कुशवाहा समाज को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आपके नेता आपके समाज को संघर्ष कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। जब तक हम लोग अलग अलग लड़ते थे तब तक हमारे वोट को लोग बांट देते थे, अब हम सभी लोग एकजुट होकर के अपने वोट को इकट्ठा किए हैं। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया है उसी वोट को हम खाली अपने सही रास्ते पर इस्तेमाल कर दे तो ये भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेताओं का सपना साकार हो जाएगा और आप सभी लोगों का विकास का रास्ता खुल जाएगा। इस नाते शिक्षा शेरनी के दूध के समान हमारे नेताजी कहते हैं, यह चीजें आपको देखने को मिला, आपने देखा होगा, अपने कानों से देखा होगा, सुना होगा और सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर यूट्यूब पर आप अच्छे तरीके से देखे होंगे और बड़े बखूबी से देखा होगा कि आजादी के 73 साल में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो माननीय नेताजी के तरह सदन में खड़ा होकर के आप सभी समाज के वंचित लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया हो। किसी ने किया क्या? किसी ने नहीं किया। आपके नेता ने 17 साल संघर्ष करके जब विधानसभा के पंचायत में पहुंचा तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, यह है आपके बीच में उस बात को उजागर करने का प्रयास किया कि जिस समाज को कोई न्याय दिलाने के लिए नहीं खड़ा होता है, इस समाज को कोई
अधिकार नहीं देना चाहता है उस समाज को अधिकार दिलाने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता संघर्ष करके माननीय नेताजी की अगुवाई में इस कार्रवा को आगे बढ़ाने में लगे हुए सही बतावा यह लड़ाई की आगे बढ़ावल जाए कि ना बढ़ावल जाए सही बतावा आगे बढ़ावल जाए तो अपने अपने जहां जहां से जने जिला से आयल बाया वो जिला में खबर पहुंचेगा कि ना पहुंचेगा सदने के खबर पहुंचाई हाल उठावा लेट ना न हो तो सबके लेट ना न हो तो यह नाते हम पूछा था कि बड़ा टाइम से बैठल होया सब जने और अब वही हमन के नेताजी बैठल हुआ और नेताजी यहाँ और नेताजी के बीच में हम बहुत बाधक ना बनत टेलीविजन पर आप सब लोग हमके देखल कि ना देखल के देखल आलू बाबा हमन के लड़ाई लड़क पाई वहां की ना लड़क पाई सही लड़क पाई की गड़बड़ तो सही का साथ दिया है कि गड़बड़ का आई गड़बड़ वाले यहाँ तब का करल जाए तब रहन का पिटाई भी होए के चाहिए जब तक रहन का पिटाई ना होई तब तक ना सुधरिया तो ये बते या वो नहनो ध्यान लगवले हुआ कि अभी पूर बंबई में गैल हुआ का करामात कर यहाँ आज से यहाँ से मैं कह के जाता हूँ कि 2022 में आप समाज के वंचित लोगों के विकास का रास्ता माननीय ओमकार साहब जी की अगुवाई में खुलने जा रहा है अगर आप थोड़ा सा सहयोग करो नेताजी के कंधों के कंधा मिला लो मैं दावे के साथ कहता हूँ जो समाज के लोगों को हिस्सा देने वाले लोग जो लखनऊ और दिल्ली के कुर्सी पर बैठे हैं उसके बीच में जो विधायक और सांसद जाते हैं जितने पिछड़े समाज के विधायक गए हैं जितने सांसद गए हैं आज जनसंख्या पर चर्चा हो रही है और कौनो पिछड़ा वर्ग का नेता बोला के तैयार कौनो बोला था कि हमानों का हिस्सा चाहिए कौनो बोला वे तैयार ना हुआ अकेले पूरे भारत में अगर कोई आपको न्याय दिलाने के लिए बात करता है शोषित वंचित पीड़ित उपेक्षित लोगों की बात कोई करता है तो उस नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर बाकी कोई नेता इस बात की चर्चा नहीं करना चाहता इस नाते आए हुए तमाम भाइयों बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ मैं आपको बधाई देता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोगों ने बड़ी बेबाकी से आप बड़ी साजिश की से आप लोगों ने बातों को सुना हम अपने नेताजी के बीच में बाधक नहीं बनना चाहते मैं अपनी बात को 2 मिनट में समाप्त करना चाहता हूँ इस नाते साथियों यह बंबई की धरती तमाम लोग उत्तर प्रदेश से बिहार से उत्तर भारतीय लोग यहाँ ऊपर रहते हैं और यहाँ बड़े पैमाने पर लंबे सालों से यहाँ रह रहे हैं लेकिन आपकी पहचान नहीं हो पाई क्योंकि हम सभी लोग खंड खंडों में बटे थे आज जो भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर से कार्यक्रम हो रहा है भारतीय समाज पार्टी का सारे मोर्चा के संगठनों का जो झंडा लगा हुआ है आज ये साबित कर रहा है कि आप सभी लोग माननीय नेताजी की अगुवाई में काम करना चाहते हैं ये जो धोखा देने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आप सभी लोग यहाँ संकल्पित होकर के आज से शपथ तय करने जाएंगे कि आने वाले 2022 में हम अपनी सरकार बनाएंगे और अपने समाज के विकास का रास्ता खोलेंगे तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा इस नाते समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जिस समाज में शिक्षा नहीं होता है और समाज का विकास नहीं होता इस नाते नेताजी शिक्षा सैनी के दूध के समान जो बात करते हैं उन्होंने साबित करके दिखाया सदन में जो शिक्षा रूपी दूध को जब वहां चर्चा होती है तो आपके नेता ने कहा कि अगर हमारे समाज के जो वंचित लोग हैं प्रजापति का जो काम है जो लोहार का काम है जो गुप्ता का काम है जो बिंद केवट मल्ला राजभर का जो काम है अब उस काम से भी छुटकारा दिला करके उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराओ उनको रोजगार की व्यवस्था कराओ तब जाके हमारा समाज का विकास होगा बताओ सही कहा था गड़बड़ लेकिन कौनो विधायकवा साथ देवा दे तैयार ना भइलन कौनो साथ देवा दे तैयार ना भइलन अगर ऐसा विधायक पिछड़े वर्ग का अगर आपके बीच में कहीं नजर आ जाए तो उससे पूछना कि जब आपके समाज को शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए गरीबों को शिक्षा देने के लिए जब आपके नेता सदन में बोल रहे थे उस समय तुम उनका साथ क्यों नहीं दे रहे थे बोलो सवाल करोगे कि नहीं करोगे कितना जो सवाल कर बहा तो सवाल करी तो भाई देखा अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता हम आप सभी लोगों से विदा लेते हुए आप सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए आए हुए हमारे अतिथि लोगों का सम्मान करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करता हूँ जय सुहेलदेव जय भारत जय भागीदारी मोर्चा धन्यवाद अरुण जी मैं इसी कड़ी में माननीय अरविंद राजभर प्रमुख महासचिव
भारतीय स्वतंत्र पार्टी से अनुरोध करूंगा और युवा विरोधी धड़कन अभी राजभर जी आए और हमारे पार्टी पदाधिकारियों पार्टी कार्यकर्ताओं सबका जो उत्साह वर्धन करें माननीय अरविंद राजभर जी। और इसी कड़ी में हमारे जो हमारे बीच में जो पत्रकार बंधु आए हैं जो 5 मिनट का समय है और इस बीच में जो हमारे प्रदेश की कमेटी है प्रदेश के जितने भी कमेटी है मैं सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और जो जिला कमेटी है साउथ मुंबई के सिराज अहमद जी साउथ मध्य मुंबई के राधेश्याम करोजिया जी और उत्तर मध्य मुंबई के सुभाष राजभर जी उत्तर पूर्व मुंबई के दिनेश राजभर जी उत्तर पश्चिम मुंबई के हंसराज राजभर जी और उत्तर मुंबई के पप्पू राजभर जी मैं सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और हमारे महानगर पालिका के जो सर प्रमुख है हैदर अली जी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के और हमारे भिवंडी शहर के संतोष राय जी और कलवा मुंगरा के राजू राजभर जी और हमारे पूरी तरह से हम उतर चुकी है हमारे सामने यहाँ पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है पूरी तरह से आ चुकी है। हमारे साथ में से अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। पूछेंगे कि किस तरह से आप इस सरकार में जुड़ने का इरादा आपने किया। देखिए हम लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग मिल करके सरकार ली। 2014 का चुनाव में लोगों ने सहयोग किया 19 के चुनाव में सहयोग किया। सरकार बनने के बाद केंद्र में और प्रदेश में जब सरकार बन गई तो अहंकार हो गया। उस अहंकार को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। भागीदारी संकल्प मोर्चा में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा किशड़ा पटेल प्रेमचंद प्रजापति बाबू राम पाल रामधनी बिल रामकरण कश्यप और ओम प्रकाश राजभर सहित हम लोग 8 दल के लोग मिल करके अभियान चला रहे हैं कि ये जिन लोगों ने हमको धोखा दिया हम सब लोगों ने मिलकर भाजपा की सरकार बनाई सरकार हम लोगों को धोखा दे रही है। ऐसे धोखा देने वाले लोगों को हम लोग सत्ता से बेदखल करने के लिए अभियान चला रहे हैं। जिस अभियान में आपने देखा होगा कि मैं यहाँ जब चुनाव होने वाला था तब भी मैं आया था तो माननीय उद्धव जी से मैंने मुलाकात किया था और बातचीत हुई थी। उसके बाद दृश्य आपने देखा मैं झारखंड गया वहाँ का दृश्य देखा दिल्ली भी मैं गया वहाँ का भी दृश्य देखा। अब आने वाला बिहार में फिर चुनाव होने वाला है। बिहार से ही नहीं पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए हमें जिसके भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके साथ करेंगे। अगर बात करें तो अगर शिवसेना की बात करें इसके साथ बात करें चुके बढ़ रहे थे तो कहते हैं कि विचारधाराओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस नई सरकार बनने के पहले भाजपा के साथ तो उनका जो एक विचारधारा का एक स्तर पर चल रहा था लेकिन अचानक बदल जाने के बाद में अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से बदल एक के बाद एक अब नए नए फैसले खासतौर से शिवसेना की तरफ से लिए जा रहे हैं क्या लगता है कितने सही हैं और कितने सहमति आपके उस विचारों के साथ में है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब तक इनके विचार को मानी तब तक तो सही जब जो देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया है समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय जब उस पर कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया तो फिर विवाद शुरू हो गया पूरे देश में। आज इनका साथ तमाम दलों के लोग छोड़ते जा रहे हैं और समान विचारधारा के लोगों को मिलाकर के हर जगह सरकारें बनती जा रही हैं और आपने देखा कि 8 महीने में 8 राष्ट्र इनका गया और आते आते 24 पूरा देश इनका चला जाएगा कोई इनके साथ खड़ा नहीं मिलेगा। देश अमन चैन चाहता है देश तरक्की तभी करेगा जब देश में शिक्षा नौजवान 90% बेरोजगार है उसको रोजगार मिले उसकी भी सोच नहीं है
देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ा करके नफरत की दीवार खड़ा करके उसी हासिल करना ये अच्छी बात नहीं है। यह इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, अमन चैन से लोग रहें, भाईचारा से रहें, आपस में लोग मिल के रहें, देश में रोजगार लोगों को मिले, नौकरी मिले, लोग बेहतर जीवन जिए। और जो दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को निःशुल्क शिक्षा स्नातकोत्तर तक है, वो शिक्षा गरीबों में पूरे देश में लागू हो, इस बात को लेकर के जब साथ हम लोग गए, जब वो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग हट करके अपना दूसरे ढंग से हम लोग एक नया विकल्प तैयार करके हम लोग काम करेंगे। वर्तमान सरकार की बात करें महाराष्ट्र में, तो जिस तरह से अब CA और NRC को लेकर विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो नींव रखने का जो काम किया गया है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया, कितना समर्थन आपकी तरफ से CA और NRC को? ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, तो देश में घूम घूम के विरोध कर रहे थे CA का, NRP का, NPR का और NRC का। आज जब देश के प्रधानमंत्री बन गए, अब समर्थन में उतर गए। क्या ज़रूरत है? हम भारत के लोग हैं, भारत में रहते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप जो चोर है उसको पकड़ो। आप सबसे एक तरफ से आप शुरू करते रहे हो, जैसे किसी इलाके में किसी मोहल्ले में चोरी हो तो चोर को पकड़ेंगे कि पूरे मोहल्ले भर को पकड़ेंगे? तो ये इनका सिस्टम जो है कि जो इन्होंने वादा किया था कि हम बेहतर शिक्षा देंगे, हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देश में देंगे, इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय प्याज 20 रुपया किलो थी, तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम गरीबों के जो प्याज रोटी नमक कांग्रेस छीन रही है, हम हमारी सरकार बना दो, हम इसको ठीक कर देंगे। तो गरीबों ने सरकार बना दिया तो 20 रुपया से 200 रुपया किलो प्याज बिछवा दिया। मोदी जी ने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे। गैस सिलेंडर जब 2014 के पहले 340 रुपये में था, आज 900 रुपये हो गया, आज वो महंगाई नहीं दिख रही है। मोदी जी ने कहा कि जनधन हमारी सरकार बनाओ, जो विदेश में काला धन जमा है हम वहाँ से ले आएंगे, 15-20 लाख गरीबों तेरे खाते में दे देंगे। तो गरीब सोचा कि अब इससे बढ़िया तो कोई नेता है नहीं, तो गरीबों ने इनको वोट दे के प्रधानमंत्री बना दिया। अब बनाने के बाद इन्होंने खाता खुलवाया, जनधन योजना। अब खाता तो खुल गया, अब खाता खुलने के बाद गरीब जब बैंक पे गया पासबुक बनवाने, तो बैंक वाला कहा 500 रुपया जमा करो तो पासबुक लेके जाओ। बैंक का नियम है कि 6 महीने अगर लेन देन नहीं हुआ तो खाता बंद। 90% जनधन योजना का खाता बंद। करोड़ों रुपया नहीं बल्कि अरबों रुपया देश का मोदी जी ने बैंक में जमा करा दिया, और 15 लाख देने के बजाय पूरे देश ने किसी को 15 लाख दिया नहीं, ये धोखा इन्होंने किया। और इन्होंने कहा कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे, तो गुजरात मॉडल देखा आपने, दिल्ली में दंगा हो रहा है, अभी हिमाचल में दंगा हो रहा है, पूरे देश में ये दंगा कराने की बात शुरू कर दिया। तो ये देश नफरत से नहीं चलेगा। आप देश के प्रधानमंत्री हो, किसी एक वर्ग के नहीं हो, संविधान में 4 जातियां हैं, 4 जातियां, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग, सबके आप प्रधानमंत्री हो। आप ये साबित कर रहे हो कि नहीं हम एक वर्ग के हैं, तो ये तो भाई अन्याय है। अगर बात करें जिस तरह से महाराष्ट्र में आपकी पार्टी ने दस्तक दे दी है, अब महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में चुनाव होते हैं, तो किस तरह से आपकी भूमिका होगी चुनाव में? देखिए ये महाराष्ट्र में पूरे उत्तर भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। तो ये जो यहाँ आए हुए लोग हैं, ये तो एक नोटिस पर आए हुए हैं, यहाँ कोई तैयारी नहीं है, एक सूचना है कि नेता आ रहे हैं तो लोग आ गए हैं। और तैयारी से अगर यहाँ हो तो आपको बता रहा हूँ कि हम लोग 10 दिन यहाँ तैयारी कर दें तो लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लोग ओम प्रकाश राजभर को खूब अच्छी तरह, हर वर्ग, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, सारे वर्ग के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, एक नेता है जो सही बात बोल रहा है देश में। जो वादा जनता से करके लोग आए सरकार में, उस वादे से मुकर रहे हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने ये प्रण किया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके, ये पहले हम लोग रिहर्सल UP में हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे, और इसी मोर्चे के बदौलत पूरे देश से जो देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, जो बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं, जो देश में अशिक्षा पैदा कर रहे हैं, इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, इसी सरकार को। 24 में हम लोग
देश में भी हम सब लोग देश के लोग मिल करके हम लोग देश में सरकार बनाएंगे। अंतिम प्रश्न, महाराष्ट्र के बाद अगला राज्य कौन सा? हम जा रहे हैं बिहार 22 मार्च को, हमारा कार्यक्रम बिहार में 4 लगे, 22 मार्च को हम बिहार हैं। हम अभी 15 मार्च को हम इलाहाबाद में हैं, हम 10 अप्रैल को बनारस हैं जहां प्रधानमंत्री जी का सीट। आप देखिएगा वहां आपको कम से कम नहीं कुछ तो 1.5 लाख लोग जुटेंगे, कम से कम 1.5 लाख। अभी इलाहाबाद कार्यक्रम है वहां भी कम से कम 1 लाख लोग जुटेंगे। पूरे देश में क्रांति है, जिन लोगों ने दिया कि हमको कुछ मिलेगा तो दिक्कत हो रही है, जैसे है ना कि गाय को चूनी खरी और पानी दाना भूसा सब दिया जा रहा है और दूध नहीं देती है तो छन्ना लगा करके दूध दुहा जाता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ में ओम प्रकाश राजवर्धन जिन्होंने बताया कि इस तरह से उनकी जो पार्टी है उसकी भूमिका जो है महाराष्ट्र में होती है, लेकिन अब कहने के देखने जिस तरह महाराष्ट्र के बाद में कई राज्यों में जाकर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इनकी पार्टी महाराष्ट्र सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आपके बीच में आया हुआ है। हम ऐसे नौजवान को बुलाना चाहते हैं तो बतावा बुलावे से पहले नारा हो चाहे ना हो चाहे, डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद, ऐसे तो दम ना निकले तो हाथ बनकर अभी और तगड़ा बोला डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद। हमारे बीच में और मंगला दाई जी का स्वागत करें, अजय राय जी और विजय शंकर जी और अजय राय जी, माननीय अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे संचालक कह लें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कह लें, चाहे जो कुछ कह लें, एक बार उनके नाम पर जोरदार ताली बजाइए। आप खाना खाए का समय होगा ना बाबा। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा आयोजित छत्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव के 1001वें जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के कोने कोने से आए हुए जो महाराष्ट्र में रहते हैं हमारे युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, मंच पर उपस्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे पदाधिकारी साथियों, और उत्तर प्रदेश नहीं, भारत देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर गरीब समाज के हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने वाले, आने वाले समय के दूसरे डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी मंच पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करें माननीय नेताजी का। धीरे धीरे आप लोगों ने तमाम नेताओं की बात सुना, आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा पीछे से जाएंगे तो अच्छा रहेगा, हमको थोड़ा अनकंफर्ट महसूस हो रहा है। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, रात्रि की वेला है, लड़ाई तो चल ही रहा है, विचारधारा भी बड़ी तेजी से आप लोगों के माध्यम से फैलाया भी जा रहा है, लेकिन आज हम लोग एक नजीर को पेश करने का प्रयास किया गया कि आज इस मंच पर नेताजी लोग उपस्थित हैं, हमको जिनके आदर्शों पर चलना है, जहां तक मैं कहूं तो साक्षात वो भी लोग उपस्थित हैं। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो की मूर्ति, तो दूसरी तरफ चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की फोटो। हमको आपको जानना पड़ेगा
क्योंकि कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। और साथियों आपको जानना पड़ेगा कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराज सुहेलदेव जिनका एक गौरव इतिहास रहा, जिनके नाम पर जिनके वीरता से पूरा देश नहीं पूरा विश्व इनकी सर गाथा की विवेचना किया करता था, आज आखिर राजा सुहेलदेव राजभर गुमनाम कैसे हो गए? आज ये राजभर समाज जिनको कहा जाता है इतिहास में कि राजभर समाज नागवासी क्षत्रिय राजभर है, और जब तक इस धरती पर नागवासी क्षत्रियों का साम्राज्य रहेगा तब तक भारत देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता, इतिहास कहा जाता है। 1000 सुहेलदेव जयंती, मैं उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा कार्यक्रम किया हूं, और मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नेताजी को कि माननीय नेताजी का प्रयास एक ऐसा प्रयास कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण 2002 में हुआ और पहली बार देखने को प्राप्त हुआ कि जिस राजा सुहेलदेव राजभर को लोग जानते नहीं थे, आज साथियों पूरा देश राजा सुहेलदेव राजभर की जेल की मारने के परेशान हो रही है, ये आपका इतिहास है। आपको जानना पड़ेगा ये राजा सुहेलदेव राजभर कौन थे। आप महाराष्ट्र में हैं, हमारे सूरत से कुछ लोग आए हुए हैं, जब कभी आज के 14 साल पहले जब आप इसी महाराष्ट्र में आते थे या गुजरात में जाते थे, कोलकाता जाते थे या उत्तर प्रदेश बिहार से चलकर के दूसरे प्रदेश में जाते थे, जब कंपनियों में आपका नाम पूछा जाता था कि आपका क्या नाम है, जब आप बताते थे कि हमारा नाम फलनवा राजभर है तो लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है, बताइए सही है कि गड़बड़ है? लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है, और राजभर वही होता है जो इस देश में 160 साल तक शासन करने का कार्य किया है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे से लेकर दक्षिण तक, पूरे साम्राज्य में, पूरे देश में नागवंशी क्षत्रिय राजभरों का शासन था। लेकिन साथियों आज इस बात को समझने की आवश्यकता है, एक नेता पीला झंडा बना करके एक जय सुहेलदेव का उद्घोष देकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण करके आज साथियों आपको उस पटल पर लाके खड़ा कर दिया है कि जब भी देश में इतिहास की चर्चा होगी, जब भी देश में राजनीतिक इतिहास की चर्चा होगी, यह बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा, जब इस देश में इस प्रदेश में भेदभाव चल रहा था तो उस दौरान सदन में खड़ा होकर एक नेता बोलने का कार्य कर रहा था जिनका नाम ओम प्रकाश राजभर। साथियों इतिहास आपको जानना पड़ेगा, मैंने जो है बनारस में 38 मिनट का मैंने स्पीच दिया हुआ था, और वो स्पीच मैं राजा सुहेलदेव राजभर के मूर्ति के सामने में खड़ा होकर भाषण देने का कार्य किया था। मैं बताना चाहता हूं आपको कि आखिर आपका इतिहास कैसे खत्म हो गया, जिसका शासन पूरे देश में था, जिसके सारी गाथा पूरे देश में थी, आज उस समाज के लोग 10x12 के आवास के लिए तरस जा रहे हैं, 3x4 शौचालय के लिए तरस जा रहे हैं साथियों, जिसका शासन पूरे देश में रहा करता था, आखिर ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? आज मैं धन्यवाद देता हूं इस धरती को, जिस धरती पर खड़ा होकर के हम राजा सुहेलदेव राजभर के जन्मोत्सव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस धरती पर खड़ा होकर के एक नया इतिहास को बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इस धरती को नमन करता हूं और इस धरती पर रहने वाले लोगों को नमन करता हूं कि आप जैसे लोगों ने यह संकल्प भाव से सिद्ध करने का प्रयास किया है, एक देश में अगर हमारे हरी तो हमारों को हिस्सा मिलने को। हिस्सा किस बात की है? पहले ऐतिहासिक हिस्सा, अगर इस देश में 585 राजा थे और 585 राजा में अगर 162 राजा राजभर समाज के थे तो उनका संपत्ति कहां चला गया? इस देश में अगर 165 राजा नागवंशी क्षत्रिय राजभर थे तो इनका पतन कैसे हो गया? मैं थोड़ा सा समय लेकर के इसको आपके बारे में बताना चाहूंगा। साथियों ये देश, इस देश को, भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। आखिर क्यों?
यहाँ सोना नहीं मिलता था, जैसा फर्जी खबर चल दिया सोनभद्र से कि पता नहीं कितना सोना मिल गया। पूरी सरकार उत्तर प्रदेश में, देश की सरकार बाजा बजाने लगी कि मार सोना सोनभद्र में मिल गया। जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि वहां कुछ नहीं है। उसी प्रकार से साथियों, वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ सपना दिखा रही है, रात को सपना दिखा रही है, सुबह खत्म हो जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कहा जाता है, तमाम महापुरुषों ने कह रखा है, जिस समाज का इतिहास नहीं उस समाज का विकास नहीं, जिस समाज के पास इतिहास नहीं उस समाज का विकास नहीं। तो आपको इतिहास जानने की आवश्यकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जब इस देश में राजतंत्र था, जब इस देश में राजतंत्र था तो इस देश में 165 राजा नागवंशी छत्री हुआ करते थे। अरे 165 राजा नागवंशी छत्री इस देश को स्थापित करने का प्रयास किए, इस देश में समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय को स्थापित किए, इस देश को सोने की चिड़िया बनाए। इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी इस देश में जो भी प्रवेश किया वो लोग भाई भाई की तरह रहा करते थे। इस देश में हिंदू मुस्लिम ये सब छोड़ करके यहाँ धर्म को स्थापित किया जाता था कि भारत देश में रहने वाले लोग हम सब लोग भाई भाई हैं, एक साथ मिल करके रहा जाएगा। और साथियों इसमें क्या होता है, इस देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है विदेश से, एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है विदेश से, उसको अपने शक्ति पर अभिमान हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है कि हमारे पास प्रचंड सेना है। और वो रात को सपना देखता है कि पूरे भारत को हम कब्जा कर लिए हैं, और उसी सपने को साकार करने के लिए व्यक्ति निकल पड़ता है। अगर व्यक्ति निकलता है तो देवताओं द्वारा स्थापित किया गया सोमनाथ मंदिर, सबसे पहले भारत देश में प्रवेश करके सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास करता है। और साथियों जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है तो उसको अपने शक्ति पर और घमंड हो जाता है, वो कह लेता है कि हमने जो सपना देखा है भारत देश को गुलाम बनाने का, भारत देश में अपना राज स्थापित करने का, अब इसको पूरा करने का वक्त आ गया है। साथियों वो बड़ी सेना लेकर के निकलता है और पूरे पश्चिम से तमाम राजाओं को परास्त करते हुए बनारस पहुंचता है, और बनारस को भी परास्त करते पहुंचता है बहराइच। मैं बहराइच बताना चाहता हूं, इस फील्ड में तमाम हमारे युवा साथी हैं, यहां अगर उम्र की बात कर लिया जाए तो 18 साल से लेकर के 45 साल तक के लोग इस मैदान में हैं। बहराइच की सीमा पर जब व्यक्ति विदेशी आक्रमण पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद चैलेंज देता है राजा सुहेलदेव राजभर जी को, वो कहता है, उसको पता चल जाता है विदेशी आक्रांता को कि बहराइच का जो राजा है उसकी उम्र 18 साल है, इसको तो हम हड़का करके अपने कब्जे में कर लेंगे। और साथियों अपने संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भेजता है कि ऐ राजा सुहेलदेव राजभर तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो, मैंने देश के तमाम राजाओं को परास्त कर दिया है, मैंने देवताओं का राज स्थापित सोमनाथ मंदिर को कब्जा कर लिया है, तमाम मंदिर मस्जिदों को तोड़ते हुए आज मैं तुम्हारे सीमा को भी लांघने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी नौजवान से युद्ध करूँ, किसी दूध में है बच्चे से युद्ध करूँ। और इस प्रस्ताव को राजा सुहेलदेव के समक्ष उनका प्रस्तावक लेकर के जाता है, संदेश वाहक लेकर के जाता है, राजा सुहेलदेव राजभर जी को पता चल जाता है। राजा सुहेलदेव राजभर जब उसकी जब देखते हैं कि पूरे इधर पश्चिम के तमाम राजाओं को परास्त करके वो व्यक्ति हमारे यहाँ प्रवेश किया है, राजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपने संदेश वाहक के माध्यम से देश के तमाम राजाओं को संदेश भेजते हैं, जो लोग छोटे छोटे राज्य के लोग हुआ करते थे उनको संदेश भेजवाते हैं कि हमारी भारत माता खतरे में है, हमारे देश का नौजवान खतरे में है, हमारे देश का भविष्य खतरे में है, अरे विदेशी आक्रांत आकर के देश को गुलाम बनाने का संकल्प लिया हुआ है, इसके संकल्प को चूर चूर करने की आवश्यकता है। राजा सुहेलदेव राजभर का प्रस्ताव जाता है साथियों, और राजा सुहेलदेव राजभर के प्रस्ताव को तमाम राजा ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति आधे से अधिक राज्य को कब्जा कर लिया हो उससे हम लड़ नहीं सकते। और उसी दौरान साथियों घटना घटित होता है, मैं इसको लाऊंगा कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इसको भी मैं लाऊंगा। उसी दौरान एक घटना घटित होता है साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर अपने संदेश वाहक के माध्यम से पुनः संदेश भेजते हैं अपने उन राजाओं को जो नागवंशी छत्री राजभर कहे जाते थे, जो बिंद समाज के कहे जाते थे, जो पाल समाज के राजा थे, जो प्रजापति समाज के राजा थे, ऐसे लोगों को संदेश भेजते हैं और 22 राजा उनके साथ खड़े होते हैं।
22 राजा आते हैं उनके महल में, उनसे कहते हैं कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण घटना है, इससे हमको लड़ना होगा। राजा सुहेलदेव राजभोज ने कहा कि आपके जो छोटे छोटे सेना है उन लोगों को लेकर के आओ, मैं इस युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा, और ऐसे जो विदेशी आक्रांता है जिसको घमंड हो गया अपनी शक्ति पर, जिसको घमंड हो गया अपनी सेना पर, इसको अवकाश में लाना पड़ेगा। साथियों, राजा सुहेलदेव राजभोज चले जाते हैं नानपारा के मैदान में, और नानपारा के मैदान से ललकारते हैं, अरे ऐ सरकार, तुम मेरे भारत माँ के ऊपर तूने तलवार चलाने का प्रयास किया, तूने हमारी बहन सैनिकों के इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किया, तूने देश की संस्कृति सभ्यता को फड़ा देने का प्रयास किया, अब तुम्हारा वो अंजाम करूंगा कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, आने वाला इतिहास भी गवाही देगा कि जब तक वीरता के इतिहास में राजा सुहेलदेव राजभर का नाम दर्ज नहीं होगा, तब तक इतिहास को पूर्ण इतिहास नहीं कहा जा सकता। साथियों, ये संकल्प लेकर के राजा सुहेलदेव राजभर चल रहे हैं। राजा सुहेलदेव राजभर इस संकल्प लेकर नानपारा के मैदान में उतरते हैं और सत्तार को लगाते हैं कि आज तुम्हारे पास जितनी सेना हो आज तुम्हारी सेना के लिए अवकाश मैं कर दूंगा। 12,500 सेना लेकर के राजा सुहेलदेव राजभर और 1,50,000 सत्तारों को गाजर और मूली की तरह काट करके देश में इतिहास लिखने का कार्य किया कि जब तक इस धरती पर राजा सुहेलदेव राजभर के वंश रहेंगे, जब तक इस धरती पर नागवंशी क्षत्रिय समाज के लोग रहेंगे, तब तक भारत देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता है। साथियों, इतना बड़ा इतिहास आपका रहा, लेकिन साथियों मुझे शर्म आती है इस बात पर, मुझे ताज्जुब होता है इस बात पर, ये सत्तार इतिहासकार जो आज के इतिहासकार बने हैं कल के चटुकार बेईमान थे, इन चटुकारों ने आपके इतिहास को लिखने का कार्य नहीं किया, राजा सुहेलदेव की वीरता को लिखने का काम नहीं किया। साथियों, इसलिए हमारी आपकी दुर्दशा का कारण कोई है तो देश के इतिहासकार रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1077 में राजा सुहेलदेव राजभर जी की मृत्यु होती है। ये बेईमान कुछ गद्दार इतिहासकार लिख रहे हैं कि राजा सुहेलदेव राजभर परास्त हो गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम और रावण का युद्ध 7 दिन तक हुआ था। कितना दिन तक हुआ था? 7 दिन तक। कौरव और पांडवों का महाभारत का युद्ध 18.5 दिन तक हुआ था, और यहाँ उत्तर प्रदेश के नानपारा के मैदान में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ विदेशी आक्रांता के साथ जो घनघोर महायुद्ध हुआ था वो 22.5 दिन तक हुआ था। 7 दिन का इतिहास 18.5 दिन का इतिहास लिख दिया जाता है, लेकिन 22.5 दिन का इतिहास जो देश की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए लड़ा गया, उसका साथ इतिहासकारों ने कोई इतिहास नहीं लिखा। सबसे बड़ी कष्ट की बात यही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में शब्द भेदी बाढ़ कौन चलाता था? इस देश को इतिहास को बनाना भी लाजमी करना पड़ेगा और इतिहास को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। साथियों, जब राजा सुहेलदेव राजभर की मृत्यु होती है, बड़े कुशल से सब कुछ चलता रहता है। युद्ध के ही दौरान राजा सुहेलदेव राजभर अपने 22 राजाओं के साथ और 165 नागवंशी राजभर राजा थे उनके सैनिकों के साथ एक संकल्प लिया करते थे। संकल्प क्या लेते थे? संकल्प ये लेते थे कि हमारी तलवार कभी भी अपने भाई के ऊपर नहीं उठेगा, हमारी तलवार कभी भी अपने भाई के ऊपर नहीं उठेगा, हमारी तलवार कभी भी इस देश जो भारत देश है इस पे किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं उठेगा। नागवंशी क्षत्रियों की तलवार तब चमकनी चाहिए जब ये पता चल जाए कि हमारा भारत देश खतरे में है, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता खतरे में है। साथियों, यह संकल्प राजा सुहेलदेव राजभर ने दिलवाया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी दौरान एक घटना घटित होता है। यही के इसी देश के कुछ ऐसे गद्दार राजा थे जिनको यह पता चल गया था कि नागवंशी क्षत्रियों का शासन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, उनको ये पच नहीं रहा था, और यही के लोगों ने योजना बनाया कि जब तक इस सृष्टि से नागवंशी क्षत्रिय राजभर का पतन नहीं होगा, जब तक इनका नाम और निशान नहीं खत्म होगा, तब तक भारत देश पर कोई दूसरा राज नहीं कर सकता है। साथियों, इसी संकल्प को लेकर के यही के राजाओं ने साथियों आपको परेशान करने का प्रयास किया और एक आदेश जारी करवाया, ये नागवंशी क्षत्रिय पूरे भारत में कहीं मिल जाए। आदेश दिया गया यहाँ के राजाओं के द्वारा कि अगर इनके साम्राज्य को कब्जा करना होगा तो यहाँ के राजाओं ने आदेश जारी कर दिया कि नागवंशी क्षत्रिय पूरे देश में कहीं भी मिल जाए तो जो व्यक्ति जितना गर्दन काट करके लेकर के मेरे पास आएगा उसको उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। कहने का मतलब है साथियों, आपको खत्म करने के लिए
आपको बर्बाद करने के लिए यहाँ के राजाओं ने खड़ंग रचा और स्थितियां ऐसी हो गई कि धीरे धीरे करके साथियों हम लोग अपने साम्राज्य को त्याग दिए, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि तलवार नहीं उठाऊंगा। और यहाँ के राजाओं ने हमको धीरे धीरे खदेड़ने का प्रयास किए, हम लोग अपना साम्राज्य छोड़ के जंगल में चले गए, जंगल से पहाड़ों में चले गए, और पहाड़ों के बाद जो भी हिम्मत से और अपने दर्द के साथ उन लोगों से चुनौती को स्वीकार करते रहे, वही साथियों इस सृष्टि पर अगर राजभर कहने का हकदार कोई है तो वो राजभर समाज के लोग हैं जो अपने नाम के आगे राजभर शब्द जोड़ते हैं, वो इस देश के सबसे बड़े वीर सपूत हैं। साथियों इतिहास इतिहास को दोहरा रहा है। आज आपके नेता, हमारे नेता उत्तर प्रदेश में एक देश की राजनीति में भूचाल लाने के लिए जिस प्रकार से राजा सुहेलदेव राजभर जी ने 22 राजाओं का साथ लिया था, 22 राजाओं का संकल्प लिया था, उसी प्रकार से आपके नेता ने एक संकल्प लिया है कि जो लोग हम जैसे लोगों को बर्बाद करने का प्रयास किए, आने वाले समयों में ऐसे विभीषण का खात्मा होना चाहिए और ऐसे भस्मासुर का खात्मा होना चाहिए। जब तक ऐसे गद्दारों को खदेड़ेंगे नहीं, तब तक साथियों आपका इतिहास बनने वाला नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारे बीच में माननीय नेता जी उपस्थित हैं, हम अपनी बात पे समाप्त करता हूँ। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज। हमारे गरीबों के सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर से मैं निवेदन करूंगा, नेताजी आए अपने बातों को अपने बीच में रखें। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद, नेताजी संघर्ष करिए, नेताजी संघर्ष करें, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय शिवाजी। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा महाराजा सुहेलदेव जी, महाराजा शिवाजी जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूलाल पाल जी, जरा खड़ा हो जाइए। ताली पैसे बजौला जैसे मन कनका पर मुर्दा बजावला। भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल भारतीय उपेक्षित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रेमचंद प्रजापति जी, और मंच पे बैठे हुए नेतागण, गायक साथी, सामने बैठे हुए सम्मानित साथियों, माता और बहनों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, पहले तो ये बतावा आप लोग कि हमरे पल्ले के मोबाइल है, ये कितना जने के पल्ले है, हाथ उठावा। इमन कुछ देखले है, एमन कुछ देखले है इधर 10 दिन के अंदर, के देखले है, हाथ उठावा, जे देखले है, तो सब लोग देखले ना, तई एकर संदेश अपने अपने गांव में, अपने अपने जिला में, अपने अपने रिश्तेदारी में, अपने अपने मित्र के भी ये बात के बतावा कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में गौतम बुद्ध जी के रास्ते पे चलकर महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया,
महात्मा ज्योतिबा फूले जी के संघर्ष पे चलकर महाराजा सुहेलदेव जी ने संघर्ष किया, उसी रास्ते पे चलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संघर्ष किया। ये संघर्ष क्या किया? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की लड़ाई लड़ने का काम गौतम बुद्ध जी ने किया। आज आपके भागीदारी मोर्चा में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री, उनकी पार्टी मानव समाज पार्टी, प्रेमचंद रामधनी बिंद जी, रामकरण कश्यप, भारतीय वंचित समाज पार्टी, कृष्णा पटेल अपना दल, आठ पार्टी हम लोगों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। क्यों बनाया? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा भागीदारी संकल्प मोर्चा, भाजपा को भगाने के लिए, भाजपा को देश से भगाने के लिए, भाजपा की गलत नीतियों को खत्म करने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। अब इसका अंग्रेजी में आप समझ लीजिए चाहे हिंदी में समझिए, क्या हुई भागीदारी से? क्या हुई? पहला अक्षर क्या है बोला? भ ग नहीं समझ में आवता। भाजपा को भसम करने के लिए, भाजपा को जिस तरह आप लोगों ने देखा कि जब शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया तो भस्मासुर ने शंकर भगवान को ही दौड़ा लिया, तो शंकर भगवान अपनी बुद्धि से बच गए। उसी तरह जब हम लोगों ने वोट दे करके भाजपा की सरकार बना दिया तो भारतीय जनता पार्टी हम ही लोगों को भस्म करने लगी, तो हमने भी कहा कि घबराओ नहीं, अगर तुम भाजपा कहते हो तो हम तुझे भस्म करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बना दिए। आज बताओ, अभी आपने बताया कि जो मोबाइल में आपने इंगित किया, आजादी के 73 साल में किसी नेता की मां ने दूध नहीं पिलाया था, जो सदन के अंदर जो आपने मोबाइल पे अपने देखा है और सुना, 399 विधायक एक तरफ होते थे और भागीदारी संकल्प मोर्चा के चार विधायक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक तरफ, और अकेले अकेले सदन में ओम प्रकाश राजभर यूपी में सीएम से लेके मिनिस्टर तक सबको समझा दिया कि देखो ये शिवाजी महाराज, ये गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महाराजा सुहेलदेव जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे चलने वाला नेता लखनऊ की पंचायत में आया है, दुनिया लड़े चाहे ना लड़े ओम प्रकाश राजभर सदन में लड़ करके दिखा दूंगा। तो बताओ लड़ाई लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया? हम तो चाहत रही कि यूरोप 5 दिन चलत थे, यूरोप हम समझा दिए लेकिन खत्म कर दिया। लोग जान गए कि अब नेता
टेम्परेचर इसका चढ़ रहा या आगे कुछ और कुछ होगा। आखिरी दिन देखा होगा कि मिनिस्टर तक को मैंने कह डाला, देखा कि नहीं, क्या कहा था? नहीं नहीं, सदन के अंदर हमने कहा कि निकल बाहर काट नहीं, हर किसी के पास हिम्मत कहने की नहीं। हम ये कैसे बोलते हैं? आप लोगों की ताकत के बल पे ओम प्रकाश राय पर सदन के अंदर बोलता है, जो आप ताकत देते हैं इसी ताकत के बल पे। आज जो बात धन्य है शिवाजी महाराज, धन्य है इस धरती पे पैदा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने एक व्यवस्था दिया हमको आपको। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वो ताकत दिया, एक ही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज जिस तरह हरिरावण राम लक्ष्मण जी को पतालपुरी में ले जाके बैठा दिया था, हनुमान जी गए और पतालपुरी से राम लक्ष्मण को लाकर के धरती पर ले आए थे, उसी तरह महाराजा सुहेल देव का इतिहास पताल में था, वहां से निकाल करके साथियों धरातल पर लाने का काम हम सब लोगों ने मिलकर किया। और आज मुझे तो खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री को मजबूर किया, गाजीपुर में आना पड़ा। क्यों? टीवी पर उस दिन एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर, पूरे देश में टीवी पे चल रहा था, अच्छे अच्छे विद्वान ये कह रहे थे कि ये ओम प्रकाश राजभर कौन है जो महाराजा सुहेलदेव के पीछे लगा है, और क्यों लगा है? सिर्फ राजभर शब्द जुड़वाने के लिए मैं अड़ा था कि तेरी मीटिंग में नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो, और नहीं गया। लोग प्रधानमंत्री के एक बुलावा पे भागते हैं, और ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री पैदा करने की हैसियत रखता है, वो आपके पास ताकत है, वो आपके पास ताकत है। आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, माननीय बाबूलाल पाल जी, माननीय रामधनी बिंद जी, माननीय रामकरण कश्यप जी, श्रीमती किशरा पटेल जी और ओम प्रकाश राजभर, अब आठ लोग मिले रही, आठ लोग मिले रही, और तीनिये रैली कैले है, बलिया के रैली देखले हुआ कि नहीं? मोबाइल पर देखले है ना, और लोगन के दिखावा, कुशीनगर में रैली किए थे उसको देखा होगा आपने, अभी गाजीपुर में किया था, इसी 15 तारीख को हम इलाहाबाद में रैली करने जा रहे हैं, 10 अप्रैल को बनारस करूंगा और 7 जून को कानपुर करूंगा, 22 मार्च को बिहार में पटना की धरती पर रैली करने जा रहा हूं। इस नाते जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी भस्म करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा जा रहा है। इतना बहुत घमंड है देश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत घमंड है। हम तो यहां के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, मैं आया था एक बार मिला था, जब अगली साल आया था तो आपने देखा होगा फेसबुक पर मैं मिला, एक मंत्र खाली दिया, उस समय वो भी नाराज थे हम भी नाराज थे, हमने कहा कि जुगाड़ बनाइए सही हो जाएगा, अब भाजपा को ऐसा जुगाड़ बनाए कि सही हो गई, सही हो गई ना। उसके बाद भागीदारी संकल्प मोर्चा जब से बना है तब से इनका विनाश तय है, झारखंड गया, दिल्ली गया, अब बिहार जाना है। 22 को, जिस दिन 22 को मैं पहुंच गया बिहार, अब 22 को रैली हो जाएगी, उसी दिन की विदाई तय कर दूंगा, अब तेरा ठिकाना बिहार में नहीं। उसके बाद 22 में आप लोगों से कहूंगा कि आप जिस जिले से, चाहे बिहार के हो चाहे यूपी के हो, आप ये मत सोचो ये महाराष्ट्र की राजनीति
इस सूबे के मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था जब यहाँ चुनाव नहीं हुआ था कि ओम प्रकाश राजभर, यदि भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को नहीं माना, आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, हम महाराष्ट्र में सरकार बना के दिखाएंगे। ये बात क्यों कहा था? जैसे उत्तर भारतीय के नाम से आप लोग जाने जाते हो ना, महाराष्ट्र की राजनीति, बंबई की राजनीति आप तय करते हैं। आप जिधर जाते हो उधर हालत बिगाड़ देते हो। ये खेल है, आप समझ नहीं पाते हो। इस नाते आप यही नहीं, 22 में हम लोगों ने तय कर लिया कि जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको हमको दिया है, आप चाहो इसी पावर से अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को आप इंजीनियर बना सकते हो, आप चाहो कलेक्टर बना सकते हो, आप चाहो इसी अपने वोट के बल पे प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना सकते हो। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तुझे तेरे हाथ में दिया है, तेरा पावर ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। आज तेरा पावर लेकर के सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी को नशा हुआ है, उसका नशा उतारने के लिए ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और ये मन बनाया हूं 22 में लखनऊ की कुर्सी से मुख्यमंत्री को उतार कर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। सही रही कि ना सही? ये सोचा तुम अखिलेश के हम डरवा दे, मायावती के डरवा दे, कांग्रेस के सोनिया के, प्रियंका के डरवा दे, अरे दुनिया डरे। ये ओम प्रकाश राजभर, राजभर महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है, दुनिया डरे लेकिन ये डरने वाला नहीं। इस नाते हम तो चाहे जहां रहते हैं, चाहे अंदर रही चाहे बाहर रही। अच्छा यहाँ इतना जने हुआ ही बतावा, अंदर जब हम बोलत रहे तो कौन डर हमारे है? कितना नेता वैसा बोलल ना हुआ कि जैसे सुनैबे नहीं करे, लेकिन जब हम अंदर बोलते हैं तो लगता है कि कौन मीटिंग में बोलते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल। इस नाते हम आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जिम्मेदारी अब हमारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है यहाँ आए हुए लोगों, हमारा पहले निशाना यूपी में है और यहाँ भी हम आपको अमल चैन देना चाहते हैं, हम आपको मदद करना चाहते हैं। हम जल्दी ही आ रहे हैं यहाँ के सीएम से जल्दी ही मिलने के लिए। भाई हमारे उमा शंकर राजभर जी हैं जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। हम आएंगे, इनको लेके मिलेंगे, टीम लेके मिलेंगे और आपकी मदद के लिए कहीं भी कोई बात हो हम उनसे निर्देश जारी कराएंगे। अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोगों को अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा। हम लेकिन हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम आएंगे सीधे मिलेंगे और फिर चले जाएंगे, किसी को जानकारी नहीं दूंगा। और हमारे एक साथी कह रहे थे कि अभी कार्यक्रम चाहे जहां लगाओ, देश के किसी कोने में बुलाओ ओम प्रकाश राजभर, आधी रात को भी बुलाओगे तो आधी रात को आऊंगा। हमको एक नशा है यूपी के लोगों, हम मैं सरकार में था, 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अंबानी का कर्जा माफ किया। मैंने दिल्ली में जाकर के दो बड़े नेताओं से मिला और सूबे के मुख्यमंत्री से कहा कि अगर अंबानी का कर्जा 500 करोड़ माफ कर सकते हो तो गांव में जो बल्ब जला रहा है, गर्मी में पंखा चलाता है, ऐसे गरीबों का बिजली का बिल माफ कर दो अगर अंबानी का कर्जा माफ कर रहे हो तो। बोलो सही कहा कि गलत कहा? जो किसान साधन सहकारी समिति से खाद और बीज ले रहा है, पैसा नहीं जमा कर पा रहा है, ऐसे किसान का तुम कर्जा माफ कर दो। जब अंबानी का कर्जा माफ कर सकते हो तो इन गरीबों का भी तुझे बिजली का बिल और सोसाइटी का खाद बीज का पैसा माफ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नहीं माफ करूंगा। हमने कहा नहीं माफ करोगे तो ओम प्रकाश राजभर
2022 में हम बिजली का बिल माफ करके दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में, देख लेना। और हमने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में 1,80,00,000 गरीबों के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं। हमने कहा कि देखो हमको नहीं चाहिए, स्कूल में मेज और कुर्सी की व्यवस्था कराओ, और जो कॉन्वेंट में पढ़ाई होती है नर्सरी में वही पढ़ाई प्राइमरी में शुरू करो, बजट का 40% शिक्षा पे खर्च करो। अगर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हो तो शिक्षा पे 40% बजट खर्चा करो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम ये पैसा हम हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, जब कांवर लेके लोग जाएंगे तो फूल बरसाएंगे, हम अयोध्या में दीपोत्सव पर पैसा खर्चा करेंगे। अंके देखो भाई, हमको एक कविता एक साथी ने सुनाया है, आप दीपोत्सव कर रहे हो एक कान खोल के सुन लो, ई माटी का दिया जरूले दरिद्रवा ना भागी, ई माटी का दिया जरूले दरिद्रवा ना भागी, सूप बजौले भोरवा में ई दरिद्रवा ना भागी, की भागी ना भागी। जब तक बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक दरिद्र भागने वाला नहीं। इस नाते हमने मन बनाया है कि 2022 में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, केशरा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू लालपाल, रामधनी बीन, रामकरण कश्यप, हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले काम होगा तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में कुर्सी मेज लगा करके कॉन्वेंट की तरह शिक्षा देने का काम हम लोग शुरू करेंगे। ये काम सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सही रहेगा। लेकिन इका चाहत हुन दिल्ली में बैठ के, लखनऊ में बैठ के इका चाहत हुन, ये काम मत करिए। हमने कहा उनकी घबराओ नहीं, रुपए की कमी देश में नहीं है, रुपया तो इतना मैं तो देख रहा हूं। मैं तो एक दिन बाबू सिंह कुशवाहा जी से कहा कि आप पहले पहुंच गए खजाने पर और कुछ लहा लिए, मतलब लहा क्या लिए, अपने समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन्होंने नौकरी दे डाला था। आज भी लोग हैं नौकरी कर रहे हैं, ठीका पट्टा दिया। लेकिन मैं जब पहुंचा तो 2 साल रहा नियरे जाते जाते, तब तक वहां वो जैसे कहावत है, एक कुत्ता गया जा रहा था गया करनी, तो जब उन माला वाला पहन के धार और दे के जब गांव से बाहर निकला, तब से दूसरे गांव जब पहुंचल तब 10 कुत्ता घेर ले, कहा जाते हो कहा गया करे कहा लौट जो देखा ना। तो आप सोच लो, मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय सुखदेव राजभर जी को, पहली बार मंच पे नाम ले रहा हूं, सुखदेव राजभर जी को, रामचंद्र राजभर जी को, राजभर के नाम पर ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़े हो गए और दो बेईमान साथ नहीं खड़े हो गए। और बाहर आरक्षण की बात करते हैं, जब सदन के अंदर आरक्षण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का गीत गाते हैं, गा लो गीत, इसी गीत पर कहा था कि चलो निकलो बाहर। हमको कहा, हम देखिए साफ साफ बात बता रहा, जब पावर आपके पास होगा तो लाइट जलेगी, बल्ब तभी जलेगा जब पावर आपके पास होगा तब, और ये पावर आपके हाथ में है। और उत्तर प्रदेश में वो मिसाल कायम होने जा रहा है। अब मुझे ये नहीं बताना है कि पिछड़ों की वंचितों की लड़ाई लड़ने वाला कौन नेता है, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है। हर वर्ग ये चर्चा कर रहा है, हमको तो आश्चर्य हुआ, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के सभी नेताओं ने कहा कि सदन में अगर बोलने वाला कोई नेता है और पिछड़ों वंचितों की आवाज कोई बोलने वाला है तो ओम प्रकाश राजभर के सिवा कोई माई कलाल नहीं है। ये सारे दल के लोग कह रहे हैं, जब सारे दल के लोग कह रहे हैं तो चला गांव में भाषण देव, हम समझाई ला तू लोग, हम चला था गांव में, अब बताई
हम लोग तय कैले हैं कि जितना जेकर आबादी हो उतना ओके हिस्सा मिले के चाहिए। सरकार से हमारी लड़ाई इस बात की थी, आप आरक्षण के लिए परेशान, सामाजिक न्याय समिति एक कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दिया जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण था लागू, उसमें तीन भागों में हम जब सरकार में थे तो तीन भागों में बंटवा दिया, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। पिछड़ा को 7%, अति पिछड़ा को 11% और सर्वाधिक पिछड़ा को 9%। अब पुलिस की भर्ती, दरोगा की, लेखपाल की, ग्राम सेवक की, सरकारी जो भी भर्ती होगी उसमें 3 लाइन लगा के भर्ती होगी ताकि नाई का, गुण का, पाल का, प्रजापति का, कुम्हार का, लोहार का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, पाल का, राजभर का, चौहान का, हर जाति का बेटा सिपाही बनकर के अपने जिले में अपने थाने पर आना शुरू कर दे। इस बात को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकार में जब हम सामाजिक न्याय समिति पर जब सदन में लड़ाई शुरू किया तो कोई पार्टी साथ देने को तैयार नहीं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई साथ देने को तैयार नहीं। लेकिन मैं माना नहीं, हमने कहा घबराओ नहीं, जिस दिन 22 में सरकार बनाऊंगा और सरकार बनते ही जब मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन घोषणा करेगा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी और हर जाति के बेटा को सिपाही दरोगा बनाने का दरवाजा साफ होगा। और क्या होगा, हमने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, दिला की मानूंगा। और ये लोग सोच रहे हैं कि ज्ञान नहीं है, अरे खूब ज्ञान है, खाली माल नहीं है। अब बतावा आज के तारीख में यहां इतना जने हुआ, ये बतावा कोई ओम प्रकाश राजभर के माल देले है? बोला माल देले हुआ नहीं, देले हुआ। करोड़ों रुपया आपने खर्चा किया है, मंच लगा के, रैली लगा के, गाड़ी में बैठ करके आप मीटिंग में गए हो, करोड़ों रुपया खर्चा किए हो और ओम प्रकाश राजभर उस रुपये को जानता है। और मैंने मन बनाया हूं कि 13 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2022 में वापस करूंगा, ये हम मन बना के घूम रहे हैं। आज ये हमारा आने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपसे ये कहने आया हूं कि देखो ये बंबई है, बंबई में आप रोजी रोटी की तलाश में आए हो, काम करते हो यहां और काम करो, जो भी जो साथी काम कर रहा मेहनत से करो, पैसा बचाओ, नाजायज खर्चा मत करो और पैसा बचाकर अपने परिवार में भी आगे बढ़ाने की कुछ काम आप करो। और 2 साल का टाइम और है, अपने पड़ोस में, अपने गांव में जहां भी फोन करो, बताओ कि अब हम लोगों के साथ अब अकेले राजभर नहीं, आज हमारे साथ पाल खड़ा है, आज हमारे साथ प्रजापति खड़ा, आज हमारे साथ बिंदनी साथ केवट मल्ला खड़ा, आज हमारे साथ पटेल खड़ा, यादव खड़ा, और तो और साथियों हमारे साथ धोबी, धरकार, पासी, खट्टी, खेला, कुजड़ा, चमार, सारे जाति के लोग। अभी तो आपको दिखा रहा हूं, भाई हेमंत सिंह जी, हेमंत जी देखिए, हेमंत सिंह जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। अभी हमारे पीयूष मिश्रा जी, जोरदार ताली बजा के पीयूष मिश्रा का स्वागत करिए। सभी जाति के लोग लगे, सभी जाति के लोग लगे हैं। और आपके यहां भाई हमारे चंद्रेश यादव जी, जोरदार ताली बजा करके चंद्रेश यादव जी का स्वागत करिए। कोई जाति ऐसी नहीं है जो तेरे साथ ना हो, अगर कोई कहता तो उसको बता देना कि ये ओम प्रकाश राजभर है, आप माला पहना रहे थे हमको, हम जुड़ा है, गुड़ा भाग कर रहे थे, कह माला है अभी कितना बाकी है, हम जोड़ घटाना लगाते हैं और 24 घंटे में नींद लग गई तो पार्टी का काम बंद, आंख खुल गई तो तुझे राजा बनाने की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर शुरू कर देता है। नहीं आप बताओ यहां आए हुए लोगों, ईमानदारी से बताओ, 17 साल मुझे हो गया तेरे पीछे भागते भागते, 17 साल हो गया, मेरी जगह अगर कोई दूसरा होता तो छोड़ करके घर भाग गया होता,
17 साल जो जिस बच्चे की उम्र 2 साल थी आज उसकी उम्र 19 साल हो गई, आज जिसकी उम्र 20 साल थी आज उसकी उम्र 37 साल हो गई, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर हम मानने वाले नहीं हैं। हम बहुत बेहया नेता है भाई, चाहे कितनों कोई कुछ कहे लेकिन तब तक नहीं मानूंगा जब तक तुझे पक्की सड़क बनाकर तुझे बस पे बैठा के लखनऊ और दिल्ली के लिए रवाना नहीं करा दूंगा, तब तक हम बैठने वाले नहीं। नहीं तो पहले वाहन निकली, जब 2002 में हम लोग निकले तो हमारे ड्राइवर थे सुरेश राजभर, गाड़ी चलाते थे पतिराम राजभर। जब पक्की सड़क छोड़ दी, खड़ंजा मिल जाए तो कहें साहब अब नियरा था, जब कच्ची मिल जाए तो कहें बस बस अगवे हो, हमके का बात है, कहें अब समझ जाइए। लेकिन आज साथियों इतिहास बदल दिया, हमारे गाजीपुर में जहूराबाद से जहां चुनाव जीता हूं 3 साल हो गया, एक भी रुपया विधायक निधि का तो छोड़ दो, कम से कम 100 करोड़ रुपया सरकार से ले जा करके उन रास्तों को बनवा दिया, जो 50 साल से रास्ता नहीं बना था उसको बनवा करके दिखा दिया। और तो और मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि 403 विधायक 47 मिनिस्टर इलाज के लिए गरीबों को इलाज में पैसा दिलाने वाला अगर उत्तर प्रदेश में एक नंबर में कोई है तो 3,72,62,000 रुपया अकेले ओम प्रकाश राजभर ने गरीबों के ऑपरेशन और इलाज के लिए दिलवाया था, उत्तर प्रदेश में एक नंबर आया था। ये मुख्यमंत्री सदन में बयान देते हैं तो काम के मामले में हैंडपाइप 200 हैंडपाइप मिला था, वहां वहां लगवा दिया जहां कभी स्वप्न में भी लोगों ने नहीं देखा था। और आज घबराओ नहीं, आप धैर्य रखो 2 साल, और 2 साल में आपको बता रहा हूं दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जो बीड़ा उठाया है राजभर महाराजा सुहेल देव जी के सपने को साकार करने के लिए, आप बताओ 14 साल की पार्टी थी, 14 साल का बच्चा वोटर नहीं हो सकता लेकिन 14 साल की तेरी पार्टी को 4 विधायक बना करके लखनऊ की पंचायत में पहुंचा दिया, कोई मानने को तैयार नहीं था। हमारी पार्टी को जो नेता थे हमारे समर्थक थे, बसपा सपा भाजपा कांग्रेस के लोग कहते थे इन्होंने जीतबे न कही, कहते थे ना झूठा इन्होंने मेघा कि नहीं उठ डाला न, और 4 जने जीत के गईली और सब जे कहत रहल वह माला लेके पहले तैयार हो गया, जे कहत रहल कि जीतबे न करीहन। मैं तो आश्चर्य था जो हमारे साथी जो रात दिन मेहनत किए वो माला लेके पीछे खड़े थे, और जौन तू लोग के चिढ़ावत रह मिलावत रह वो माला लेके पहले गेटे तरा छा, तो हम देखी दे तो हम अपन कन्नी काट के उधर घूम जाए, रुक जा भाई पहले उठा पहले बजे हम खूब चिढ़ाए दूसरे नहने के, अब फिर कुछ दूसरे ओरी घूमत मन के घबरा मत, 2 साल के बाद हम तू लोग के बताई। साथियों मकसद हमारा ये जान जाओ, आज जिधर हम जा रहे हैं चाहे कहीं भी जा रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर हड़कम हो जा रही है, ओ राजभर जी आ गए, ओ राजभर जी आ गए। अब बताओ कल तक अभी अरविंद राजभर बता रहे थे कि तेरा नाम लोग पूछते थे, अब लोग नमाला जप रहे हैं राजभर जी आ गए, राजभर जी आ गए। आप देखिए सदन में थी लखनऊ की पंचायत में माननीय अध्यक्ष जी, जब भी हम सदन में जय दिन सदन चला तय भार विधानसभा अध्यक्ष जी राजभर जी बैठ जाइए, राजभर जी खड़ा हो जाइए, राजभर जी कम बोलिए, और अंतिम दिन कहा कि सदन में अगर दमदारी से समाज की बात और अपनी पीड़ा को रखने वाला अगर कोई नेता इस सदन में है तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है, कोई दूसरा नहीं। बड़ी बात स्पीकर ने कहा, ये क्यों कहा,
ये आपकी ताकत की देन है कि आज ओम प्रकाश राजभर अपने देश तो छोड़ दो यार, पाकिस्तान में समाचार छप रहा है, पाकिस्तान में समाचार छप रहा है। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि हुआ का है कोई छापते हैं। अभी हमारे यहां बहुत से साथी दुबई हैं, सऊदीया हैं, सिंगापुर हैं, वहां से फोन करते हैं कि साहब यहू समाचार आवता हमके हुआ कौन पार्टी था। अरे कहें साहब मत पूछा हमके, चला कम से कम अभी हम लोग बम्बई में रहली है, गुजरात में रहली है, अभी हम लोग जगह जगह घूमत रही है, कम से कम हमारे का पार्टी अब विदेशों में तो हो ही गई, भले झंडा नहीं बा लेकिन नाव तो बा। जब दुबई से कोई फोन करता है नौजवान, जब मैं फोन रिसीव करता हूं तो कहता है जय सुहेल देव, तो हम कहते हैं जय सुहेल देव भैया दुबई से क्या बात है वहां के है। अरे कहे साहब अभी आप न जनबा हमने यहाँ पूरा पार्टी चलावत है, हमके चलो जवान चापे रहो आप लोग का दिक्कत। तो साथियों 22 में सरकार बनाने के लिए आप बताओ आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो, कितने लोग तैयार हो दोनों हाथ उठाओ, सब लोग तैयार हो ना। आप देखो आप जिस जिले से हो जिस इलाके के हो आप अपने यहां कमाते हो, देखो हम भी बता दें आप भले प्राइवेट में सर्विस करते हो यहां मजदूरी क्यों न करते हो, लेकिन रुपया जब घर भेजते हो तो घर वाले आपकी इज्जत करते हैं। हम भी जब पहले टेम्पू चलाते थे, आप सोचोगे कि टेम्पू कैसे चलाते थे, हम बनारस में टेम्पू चलाते थे, जीप अपनी रोड पर चलाते थे, सब्जी बेचते थे, और आज जीप चलाते चलाते टेम्पू और सब्जी बेचते बेचते प्रदेश सरकार चला दिया, प्रदेश सरकार चला दिया और एक इतिहास कायम कर दिया, एक इतिहास कायम कर दिया। जितना रेस हम जीप चलावत रहे उतना रेस हम सदन में बोलते रहे, कोई काम छोटा नहीं होता है। मैं जब कमा करके घर जाता था तो हमारी मां पत्नी बढ़िया बढ़िया बना के खिया मन कमा के आ रही, भले हम टेम्पू चला के आ रहे। उसी तरह साथियों जब आप कमा के यहां से जाते हो अपने मां को अपने पिता को अपनी पत्नी को जब पैसा देते हो तो 4-5 दिन तक खूब बढ़िया बढ़िया बना के खिलाते हो, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। जब तक आप रहते हो तब तक होता है भाई आज बैठ नहीं किया जाके वहां से कमा कुछ देंगे, तो आपकी बात गंगा वाले धर्मा वाले बढ़िया मानते हैं। इस नाते यहां से फोन करके जब भी घर फोन करो हालचाल करो ये बताओ कि अब जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का दिया है इस वोट को तैयारी करो और 2022 में सरकार बनानी है। नेता ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है, बाबू सिंह कुशवाहा साथ में है, प्रेमचंद प्रजापति साथ में है, हम लोगों के साथ में बाबूलाल पाल जी हैं, हम लोगों के साथ रामधनी बिंद हैं, हम लोगों के साथ रामकरण कश्यप हैं, हम लोगों के साथ कृष्णा पटेल हैं, हम लोगों के साथ और लोगों को ला रहा हूं। आपको भी भड़काया जाएगा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, बताओ मुसलमान है कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है, आप बताओ उसकी पार्टी में मुसलमान है कि नहीं है, कितने लोगों को मालूम है जरा हाथ उठाओ, सबको मालूम है उसकी पार्टी में मुसलमान, समाजवादी पार्टी में मुसलमान, कांग्रेस पार्टी में मुसलमान, बहुजन समाज पार्टी में मुसलमान, हर पार्टी में मुसलमान। जब हम वहां वोट देने जाते हैं तब हम नहीं याद करते हैं जब अपने बच्चे को रोजगार नौकरी और अपने बच्चे को हम शिक्षा की बात, हम अपने बच्चे को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की सोचते हैं तो हमको बताया जाता है कि नहीं नहीं तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो मुसलमान के साथ मत जाना, उनसे बता देना कि अगर मुसलमान मुझे वोट देकर अगर मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाएगा तो मुसलमान को भी अपने साथ लेके सत्ता के गलियारे में दिल्ली की कुर्सी पर जाऊंगा, उनको बता देना, कोई भ्रम में मत रहना। इस नाते कि देखो न्याय मिलेगा तब, आप देखो भगवान राम
कितने लोग भगवान राम को मानते हो? हाथ उठाओ। सब लोग मानते हो भगवान राम को न्याय कब मिला? करोड़ों हिंदू भगवान राम को मंदिर बनवाने के लिए अयोध्या में, करोड़ों हिंदू बड़ी हल्ला किए, बहुत चिल्लाए, इजाजत नहीं मिली। लेकिन भगवान राम जी की तरफ से एक वकील लोअर कोर्ट लड़ा, हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनवा दिया जाए। ये तो मालूम होगा सबके ना, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने की इजाजत हो गई। मंदिर बनावा बदे कमेटी बन गई, और कमेटी में एको पिछड़ी जाति का कोई ना रखा है, एक भी पिछड़ी जाति का नहीं रखा गया। इसी बात का विरोध ओम प्रकाश करता है कि जब भगवान राम सेवरी का जूठा बैर खा सकते हैं, तो पिछड़े समाज के लोग भी भगवान राम का जूठा प्रसाद खा सकते हैं, इनको क्यों नहीं रखते हो आप कमेटी में? इस बात को लेकर झगड़ा हमारा। और भगवान राम को न्याय कहां से मिला? कोर्ट से, न्यायालय से। न्यायालय कैसे बना? संविधान से। न्यायालय संविधान से। अब भगवान राम को न्याय कहां से मिला? संविधान से। अब हमको आपको सोचना है, हम न्याय किससे मांग रहे हैं? भगवान राम से। अब भगवान राम को न्याय मिला मंदिर बनाने का, उनका घर बनाने का, कहां से? संविधान से। और संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहले पन्ने पे लिखा है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। तो संविधान के दायरे में मन बना लो साथियों, अब तो आने वाला कल आपका होगा, आने वाला दिन कल आपका होगा। कोई माई कलाल अब रोक नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार ओम प्रकाश राजभर बनवा करके दिखाऊंगा, देखना कैसे बनती। अब तो हमने को मालूम हो गल बा, हम पहले बार अली जब पढ़ी तब एक बिरादरी रह, एक लाशा बनावा बाबूर का, पीपर का, गुलर का, और करू तेल मिला के फेविकोल, आजकल जो उन्हें कहा वो फेविकोल बनावे, और बांस फार के दूके कंपा बना दे, और वही में लाशा लगा दे। चिरई राम जब उमन एक डोरा में बांधे, चाहे कोनो जानवर बांधे, चाहे कोनो चीज बांध दे, अब समझ ला। अब ओकरे बाद जब चिरई राम ओके लेवे जाए तो लाशा राम सटा ले, अब चिरई राम तो उड़ी ना पाए। अब हम घूम घूम समझावत थे, पाल जी के समझावत थे, या बतावत थे कि सदन में एक दिन मैंने बोला लाखों पाल समाज के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि आजादी के बाद अगर पाल गरेरिया की बात कोई सदन में किया है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नहीं किया। विश्वकर्मा समाज के लोग, धोबी समाज के नाई गोण पाल, हर समाज के लोग चिल्ला रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ऐसा दाव चला है कि आज सब लोग चिल्ला रहे हैं कि यार चलता सब लोग लपट के हम लोग सरकार बना लेवल जाए, तो सब लोग लपट के हम लोग शिक्षा का अपने लड़कन की अच्छी व्यवस्था कर लेवल जाए, हम लोग रोजगार की बात कर लेते, हम लोग नौकरी की बात कर लेते, हम लोग सामाजिक न्याय समिति आरक्षण की बात कर लेते, ये सारी चीजें हम लोग कर लेते। आज खूब चर्चा है, पूरे प्रदेश में चर्चा है साथियों। इस बात को बहुत टाइम हो गया, आप लोग काफी टाइम से बैठे, हम चाहते हैं जो जहां बैठा है वहीं खड़ा हो जाइए, जो जहां बैठा वहीं खड़ा हो जाइए। एक नारा हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसको बोलिएगा, जय शिवाजी, आवाज में दम ना है। हमरे के नहीं हाथ दोनों ऊपर करा, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। इसी बात के साथ आयोजक साथियों को धन्यवाद देते हुए, सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए, हम अपने माइक साथियों को, गायक साथियों को और पूरे आयोजक टीम को धन्यवाद देते हुए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना एक बार जोरदार ताली बजा करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के साथियों का स्वागत करिएगा।
इन साथियों ने बड़ी मेहनत किया, व्यवस्था दिया। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत। सभी प्रदेश कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं, मैं कनौजिया जी, हमारे जो बच्चूलाल कनौजिया जी, हीरालाल राजभर जी और जोगेंद्र राजभर जी, अजय राय जी, विजय शंकर राय जी, राम सूरत राजभर जी, बालचंद राजभर जी, रविंद्र राजभर जी, अखिलेश राजभर जी, राजेश राजभर जी, विनोद राय जी, रामाश्रय राजभर जी, रविंद्र राजभर जी, अशोक राजभर जी और हमारे जो संजय भारद्वाज जी, डॉक्टर लाल जी भारद्वाज जी, दिनेश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी यानी छेदी और घनश्याम विश्वकर्मा जी, मनोज विश्वकर्मा जी, संतोष भारद्वाज जी, सुखदेव राजभर जी, चंदमणि राजभर जी, जितेंद्र सिंह, अवधेश मौर्य जी, विनोद शर्मा जी, हरि प्रसाद राजभर जी, छोटेलाल राजभर जी और जिला कमेटी, ये सभी लोग से रामाधार जी, रामकरण जी और सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूँ कपोली के काम। उत्तर प्रदेश में 1,80,00,000 गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। पहला हमारा काम होगा कि प्राथमिक स्कूल में जो आज़ादी के बाद से लेके अब तक टाट पे बच्चे पढ़ रहे हैं, टाट हटा करके हम कुर्सी और मेज की व्यवस्था कराएंगे और जो पढ़ाई नर्सरी में हो रही है, कॉन्वेंट में, वही पढ़ाई हम प्राइमरी स्कूल में लागू। सर, आपने बोला कि बिजली फ्री रहेगी उत्तर प्रदेश में, आप जीतते हैं तो उसको लेके क्या करेंगे? देखिए, जब अंबानी का कर्जा सरकार माफ कर रही है तो उस तरह उत्तर प्रदेश में जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन घोषणा होगी कि जो भी गरीब बल्ब जलाता है प्रकाश के लिए, पंखा चलाता है अपनी गर्मी मिटाने के लिए, ऐसे लोगों की बिजली हम माफ करेंगे। जो किसान सोसाइटी से खाद बीज लेता है, ऐसे किसान जो बिल पैसा नहीं जमा कर पाता है, ऐसे किसानों का कर्जा हम सरकार बनते ही, जिस दिन सरकार बनेगी, हमारे मोर्चे का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन हम घोषणा कर देंगे इनके कर्ज माफी का। सर, यहाँ के देशवासियों के खास करके क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस यहाँ के खास तौर से महाराष्ट्र के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो देश की सरकार है वो आपस नफरत पैदा करना चाहती है, आपस में लड़ा करके वो राजनीति करना चाहती है। हम इस देशवासियों से अपील करूंगा कि वो आपस में न लड़े। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज ने जो बात कहा है, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, उस आधार पे काम करें, आपस में न लड़ें। ये सभी धर्मों का देश है, सभी लोग अमन चैन से रहें। सर, इसके बाद आपकी कहाँ पे रैली होने वाली है? हमारी रैली 15 तारीख को इलाहाबाद है, 22 तारीख को पटना में है, 10 तारीख को बनारस में है, हम 17 तारीख को हम जौनपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। हम इसी तरह कार्यक्रम 7 जून को हम कानपुर में रैली करने जा रहे हैं, जो हमारे पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में। अभी हम लोग पंजाब अभी कार्यक्रम किए हैं फरवरी में, दो फरवरी को हम चंडीगढ़ में थे। अभी हम पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को ये बता रहे हैं कि जो बात आज के तारीख में दिल्ली की सरकार ने जो आपसे वादा किया था महंगाई कम करने के लिए, उस समय 14 के पहले प्याज 20 रुपया किलो थी और कम करने के बजाय जब सरकार बना दिया गरीबों ने तो 200 रुपया किलो प्याज बेचवा दिया। सरकार ने वादा किया था, दिल्ली की सरकार ने, कि गरीबों हम तुम्हारा खाता खुलवाएंगे, 15-15 लाख रुपया तेरे खाते में देंगे, लेकिन देश के किसी गरीब के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, लेकिन 1700 करोड़ रुपया अंबानी का कर्जा इन्होंने माफ कर दिया। गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर महंगा है, ये प्याज का माला गैस सिलेंडर रख करके धरना दे रहे थे और कह रहे थे कि हम महंगाई को कम करेंगे। 14 के पहले गैस सिलेंडर 340 रुपए में भरा जाता था, आज वो गैस सिलेंडर 900 रुपए में हो गया, ये दिखाई नहीं दे रहा है। आज ये पूरे देश में गुमराह करने के लिए एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देश में हम NRC पे कोई चर्चा नहीं, और उन्हीं की पार्टी का गृह मंत्री लोकसभा में बयान दे रहा है कि हम कैब ले आए हैं, CA ले आए हैं, उसके बाद NPR ले आएंगे, फिर NRC हम पूरे देश में लागू करेंगे। अब अगर आपको चोर पकड़ना है तो पूरे बम्बई के लोगों को पकड़ोगे कि जो चोरी किया उसको पकड़ो, जो भारत में घुसपैठी आप उसको पकड़ो, कि हर आदमी से आप सबूत मांगोगे तो हर आदमी सबूत कहाँ से देगा?
इस नाते ये सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं। इस लड़ाई से हम देशवासियों से कहूंगा इनके हिंदू मुसलमान के झगड़े में न पड़े। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जो गंगा नदी है, जो कि पहले आया था उनकी नदी और साफ सफाई का, तो हम लोग खुद वहां जाके देखा कि सफाई नहीं हुई गंगा जी, तो उस पर क्या आपकी राय है? देखिए, मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि जन धन योजना, जनता का धन हम योजना बना के लूटेंगे। जैसे आपको बता दूं कि इन्होंने पूरे देश में खाता खुलवाया जन धन के नाम पे, और खाता खुलवाया 15 लाख तो रुपया नहीं आया, लेकिन बैंक की एक नियमावली है कि 6 महीने तक अगर खाते में लेन देन नहीं है तो खाता बंद हो जाता है। तो करोड़ों लोगों का खाता बंद हो गया, 500 रुपया करके अरबों रुपया मोदी जी ने गरीबों का लूट के बैंक में जमा कर दिया। उसी तरह योजना बनाया गंगा सफाई का, गंगा तो साफ नहीं हुई लेकिन देश का 1,76,76 लाख रुपया आज आरबीआई से निकाल लिया। महाराष्ट्र के अंदर जो आदित्य ठाकरे जी प्रमुख अतिथि थे, उन्होंने भी आने का उनका फोटो लगाया था, क्या हुआ? नहीं देखिए, उनके साथ कार्यक्रम लगे थे और अभी वो 5वें कार्यक्रम में है और परमिशन 10 बजे तक था। इस नाते बात हमारे उमा शंकर जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताया कि अभी 2 कार्यक्रम मुझे करने हैं। आपके साथ कितनी पार्टी साथ में है? हमारे साथ मैदान में उतरे हैं आप? हमारे साथ देखिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी का नाम बताइए सर, कौन कौन सी पार्टी? माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी है, माननीय बाबूराम पाल की राष्ट्र उदय पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी है राष्ट्रीय भारतीय उपेक्षित समाज पार्टी, किसरा पटेल की अपना दल है, और मानव समाज पार्टी रामधनी बिंद की है, रामकरण कश्यप की पार्टी है उनकी पार्टी है भारतीय वंचित समाज पार्टी, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। 8 पार्टियों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। उस देश में भाजपा की सरकार है और भाजपा को देश से भगाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। चलो ठीक।